हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैप्टन सोशल मीडिया। और आज मैं फिर एक नया एपिसोड लेके आया हूँ आपके लिए। और हम लोग बना रहे थे ये असेंबली, बेसिक्स इंजन की असेंबली बना रहे थे, और इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, इसके सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो आज इसके अंदर हम लोग ये फिल्टर जो है इंजन का, एयर फिल्टर ये बनाने वाले हैं। ये है फिल्टर, इस फिल्टर को हम डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक नई यहाँ से आप ओपन कर लीजिए फाइल को, और फिर एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे और प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं, ओके। और शुरू करने से पहले, अगर अभी अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि इस टाइप की और भी वीडियोज़ हम लोग बना सकें। और इसको मैं कर देता हूँ मेरे, मैं हर ट्यूटोरियल में कोशिश करता हूँ कोई नया कॉन्सेप्ट यूज़ करने की, ताकि आपको नई नई अच्छी अच्छी जानकारी मिल पाए और एनएक्स में आप लोग एक्सपर्ट हो पाए। तो ये मैंने एक शेप बनाई है, और इसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसे चेंज कर देते हैं 50, और फिर यहाँ से लेते हैं ये जो लाइन है ये है 20 क्लिक, और ये दोनों पॉइंट जो हैं क्लिक किया और कर देते हैं मर्ज या मॉच, मैच हो गया। फिर आती है एक एंगल बचा हुआ है, तो ये और ये इसके बीच का जो एंगल है ये मैं क्लिक करता हूँ और ये आ रहा है, तो इसे कर देते हैं, नहीं आ रहा शायद आया कि गलत जगह से, तो मैं इसे एक बार डिलीट करता हूँ। और फिर दोबारा से लेते हैं एंगल, ये नहीं एंगल ये वाला लीजिए, ताकि प्रॉपरली बन पाए। ये कुछ है स्ट्रक्चर 10, तो 10 इधर हो गया 20, और ये हमारा हो गया 50। अब इसे करते हैं क्लोज और फिनिश करिए, और एक नया प्लेन लेंगे क्लिक, और प्लेन जो है ये ऑफसेट होगा 101.5 पे, और क्लोज। और इस पे जाते हैं एक्स की डायरेक्शन, ओके। आप फिर से मैं बनाता हूँ, अभी इसे इसके पैरेलल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जब रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं करूँगा। अभी सिंपल इसे बना देते हैं और फिर लेते हैं मिरर, सेंटर लाइन है ये, और ओके। और कुछ डायमेंशन मेरे पास है तो इसे क्लिक करते हैं, और ये है यहाँ से 25, फिर यहाँ से सेलेक्ट करते होते हैं। अगर कहीं भी किसी भी कमांड में आपको प्रॉब्लम आती है या डायमेंशन में आपको प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करिए और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि जब भी मेरे पास कमेंट आते हैं मैं इनको आराम से टाइम से पूरा पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप से बन गया, और 100 का एंगल, 10 डिग्री का एंगल भी है, इसे करेंगे 10 डिग्री। तो इस टाइप से बन गए हैं, दो मेरी शेप भी आ गई हैं क्लोज के लिए। और अब मैं यहाँ से लेता हूँ थ्रू कर्व, और थ्रू कर्व में फर्स्ट और ऐड, तो सेक्शन ये हो गया मेरे पास, देखो चेक करना पड़ेगा। ये प्रिजर्व शेप करने से कुछ स्टेप्स ही आता रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है नॉर्मल टू एंड सेक्शन, आप इसे हटा दीजिए, है ना, तो ये ठीक आ जाएगा।
ये लास्ट जो कंपनी हमने बनाया था वहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ा था, उसकी वजह से मैंने ये लिया था तब। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसे कर देते हैं पैटर्न फीचर और लीनियर से अब सर्कुलर। सर्कुलर पे पैटर्न पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से इसे चेक कर लीजिएगा, थोड़ा डिटेल में मैंने दे रखा है सर्कुलर पैटर्न कैसे करना है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है ये है 18 और ओके कर दीजिए। और करने के बाद ये सब पूरा यूनाइट करना है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं यूनाइट, क्योंकि देखिए कुछ मर्ज हो रहे हैं, कुछ टच हो रहे हैं, तो यूनाइट ले लेते हैं। और जो फर्स्ट थ्रू कर्व है और इसके अलावा बाकी सारी बॉडी और ये पूरा मर्ज हो गया, मर्ज हो गया, कुछ इस टाइप की शेप आ गई है। और मर्ज करने के बाद जैसे मैं करूँगा शेल, तो आप शेल में जाइए और थिकनेस जो है इसको पहले ही चेंज कर लेता हूँ मैं, मुझे 1 चाहिए ताकि सिलेक्शन करने पे ये कुछ एरर ना दे। तो ये फेस मेरे को रिमूव करना है ये, और घुमाते हैं एक ये फेस, ये दोनों मेरे को रिमूव करनी है, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। फिर स्केच में जाते हैं और ये नीचे वाला जो फेस है इसे सिलेक्ट करिएगा और ओके। और यहाँ पे जाके मुझे बनाने हैं सर्कल, तो सेंटर तो मेरा यही रहेगा और अप टू दिस। और एक सर्कल मुझे और चाहिए और इसका जो डायमीटर है इनसाइड वाला है ये है 30, इसको मैं बाद में कट करूँगा लेकिन ड्रॉ साथ में ही कर लेते हैं। अब लेते हैं एक्सट्रूड और सेलेक्ट, और एक्सट्रूड जो होना है ये डाउन साइड होना है, इसे रिवर्स करिए ताकि डाउनवर्ड हो जाए। और एक्सट्रूड करना है 17.75 ये एक्सट्रूड होना है। और बुलियन को आप इसके साथ में यूनाइट कर दीजिए और ओके, क्योंकि जुड़ा हुआ है। स्केच को अभी शो होने दीजिए क्योंकि बाद में मुझे इसे कट करना पड़ेगा। फिर स्टॉप वाले पे आते हैं और स्केच करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी आके मुझे एक सर्कल बनाना है। सर्कल लेंगे, सेंटर ये है और टॉप का जो एंड पॉइंट है ये यहाँ पे, यहाँ तक आप इसे टच कर दीजिए। इसे भी एक्सट्रूड करेंगे और ये भी एक्सट्रूड होगा, आउटसाइड होगा, उसे आप कर दीजिएगा और यूनाइट रखेंगे और ओके। ऊपर वाले को आप चाहें तो हाइड कर दीजिए। आप एज फिलिप ले लेते हैं और एज फिलिप में जो रेडियस है वो 10 का रेडियस है, एक तो ये एज है और एक ये एज है, ओके ठीक है, कुछ स्टेप से आ गया है ये स्केच। एक मेरे पास यहाँ पे ही वायर फ्रेम में करता हूँ और फिर एक्सट्रूड में जाएंगे और इस वाले सर्किल को रिवर्स में और इसे सब्सट्रैक्ट करना है और ओके, और शेडिंग ऑन। तो हो फ्रेंड्स आपको ये ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि इंजन एयर फिल्टर किस टाइप से बनाना है। और कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा। इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, तो व्यू में जाएंगे, सेलेक्ट करिए और इसका कलर कुछ इस टाइप से मैंने ले लिया, ऐसे डाटम कलर का, तो इस स्टेप पे ये है और हमारा ये है, ये इस टाइप से बन गया। तो होप फ्रेंड्स आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही ट्यूटोरियल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर हमारे चैनल पर नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।